तो जोहार नमस्कार दोस्तों, रामगढ़ जिला के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो जेएलकेएम के प्रत्याशी है बेरोजगार पानेश्वर महतो, वो आज गांव तक जा रहे हैं, पंचायत पंचायत दौरा कर रहे हैं। आज से इन्होंने दौरा शुरू कर दिया है। तमाम चीजों को लेकर हम लोग जानेंगे किस तरह की रणनीति है और लोगों का किस तरह से समर्थन मिल रहा है बेरोजगार पानेश्वर को। दादा सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार आपको। काफी बिजी शेड्यूल है, थोड़ा सा हम आपसे बात करना चाहेंगे। आज आप पंचायत दौरा के लिए निकले हुए हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? समर्थन आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से सिरकारगढ़ जोन में हम पहुंचे हैं और यहाँ के लोगों का जो प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, वो आप सबके सामने दिख रहा है। लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारे नेता जो पहले चुनाव जीत चुके हैं, उन्होंने कई वादे लोगों के साथ किए, लेकिन लोगों के वादे को पूरा नहीं किया गया है। आपसे भी जनता सवाल करती होगी कि आप भी वोट मांगने आए हैं, वोट के बाद आप भी उन्हीं नेता की तरह चाल चलन करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं लोगों से मिलता हूं तो पहले उनकी समस्या जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर आपका समस्या क्या है। चूंकि जिस तरह से लोग ढिंढोरा पीटते आ रहे हैं, विकास 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 विकास, रामगढ़ विकास, तो उस चीज को मैं जानना चाह रहा था कि आखिर विकास क्या हुआ है और कितना स्तर तक हुआ। तो सबसे पहले मैं विकास को जान रहा हूँ, उसके बाद मैं अपील कर रहा हूँ कि यदि लगे आप सबों को कि नहीं, ये 25 साल का लड़का कुछ कर सकता है, तो आप भरोसा कीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ। किन किन समस्याओं का आपने देखा अपनी आंखों से? देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से जो फैक्ट्रियाँ हैं उसके प्रदूषण से लोग काफ़ी प्रभावित हैं इस क्षेत्र से। यहाँ पर CCL है, आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हैं, यहाँ पर लोग बेरोजगारी से तंग हैं। प्लस यहाँ पर जिस तरह से हमने घर देखा तो आवास का यहाँ पर कहीं ना कहीं बंदरबाट बोले या फिर यूँ कहे तो यहाँ पर आवास अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है जो डिजर्विंग लोग हैं, जो घर डिजर्व करता है। प्लस यहाँ पर पानी का समस्या चरम पे है। सबसे ज्यादा अगर देखा जा रहा है तो इस जोन में बहुत सारा पानी का समस्या है, बहुत बड़ा, जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में है ये समस्या। आप आज अरगडा सिरका से स्टार्टिंग किए हैं, आपको पूरा हेमंत सोरेन का घर तक जाना होगा दौरा करते हुए। आपके सामने मात्र 15 दिन समय बचा हुआ है। शेड्यूल आपने पूरा तैयार कर लिया या फिर अभी आगे और भी शेड्यूल बनाना है? कुछ शेड्यूल तैयार हुआ, कुछ आगे, मतलब सारा चीज प्लान हो चुका है, बस उस चीज को एक माध्यम दे करके लोगों के बीच में उस शेड्यूल को लाना पड़ेगा। अब नॉमिनेशन के बाद माहौल क्या लग रहा है? बेरोजगार पानेश्वर के सामने दो दो महिला नेत्री मौजूद हैं, किस तरह से कंपटीशन होने वाला है इस बार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, वो अलग बात है, महिला पुरुष वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो जन समर्थन है, वो उन दोनों से, चाहे सुनीता चौधरी जी की बात करें या ममता देवी जी की बात करें, तो उन दोनों से हमारा जो संगठन पार्टी है अलग है और सबसे मजबूत है और हम लोग सबसे आगे दिख रहे हैं। लोगों को हमने देखा कि लोग तो बदल रहे थे, लेकिन ऐसा देखने को मिला कि जब प्रत्याशी बनाया जाता है, नामांकन हो जाने के बाद प्रत्याशी दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, पानेश्वर महतो ऐसा कुछ सोच विचार रखे क्या? जिंदगी में नहीं। ऐसा हो सकता है कि देख सकते हैं कि जो आपके रिजवान जी थे वो चले गए जेएमएम में, आप भी नॉमिनेशन करवाएं, आप भी 2-3 प्रचार कीजिएगा, कोई मोटा पार्टी दे देगा 2-4 कट्ठा पैसा, आप भी उधर चल जाइएगा फिर। देखिए, हम नेता वाला नहीं आदमी है, ठीक है, कि जैसे नेता वाला क्वालिटी सबसे ज्यादा अगर हमरा में तो बेटा वाला क्वालिटी है कि हम दुख दर्द को समझते हैं, उनके परिवेश में आकर के उन मुद्दों को समझते हैं और उस पर पहल करके और लड़ाई लड़ते हैं। तो वैसा नहीं है कि हम नेता वाला पॉलिटिक्स करते हैं, हम अलग लेवल का पॉलिटिक्स करने आए हैं JBKSS जेएलकेएम। तो कहीं ना कहीं रिजवान की बात करें या फिर संजय मेहता की बात करें या किन्नी अर्न की बात करें, तो उस सब के विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अच्छा दादा, इस सब झंडा उंडा प्रचार गाड़ी वगैरह घूरेगा, इस सब का खर्चा का मैनेजमेंट आप कहाँ से कीजिएगा? दादा लोग हैं इस जोन में, सारा दादा लोग खर्चा उठा लिए हैं। मतलब जिस जिस तरफ जाइएगा उधर उधर आपके जो कार्यकर्ता हैं वो सारा खर्चा का मैनेज करेंगे एकदम, और कोई कोई जगह में नहीं है तो वो कहीं और से। देखिए, चूंकि बोकारो धनबाद के साथी, रांची के साथी, हजारीबाग जिला के साथी और भी अन्य जो कोल्हान के, तो बहुत सारे साथी सक्षम है, जो हमारे दोस्त हैं, साथी रहे हैं इस आंदोलन के, वैसे लोग जो सक्षम है वे लोग भी सहयोग कर रहे हैं। उनके सहयोग के माध्यम से कुछ लोग वोटर्स जो हैं, मतदाता, वे लोग भी कुछ कुछ सहयोग कर रहे हैं। क्या कहिएगा दादा, सही बोल रहे हैं, आप लोग समर्थन कर रहे हैं, इनको पैसा समर्थन कर रहे हैं।
आप लोग ये कह रहे हैं कि जो दादा लोग इधर हैं वही खर्चा उर्चा मैनेज कर रहे हैं। आप झंडा उंडे के लिए पैसा दिए कि आप अपना पैसा? हम लोग अपना से खुद से करते हैं, मोटरसाइकिल तेल भाड़ा या कोई चीज हो, कहीं बोकारो जाना हो या रामगढ़ जाना हो, सब हम लोग खुद अपने से मैनेज करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दशरथ महतो हुआ। कहाँ घर कहाँ हुआ? सिरका तेलीटाना। सिरका ही घर हुआ। आपका क्या नाम है? संतोष महतो। कहाँ घर हुआ? सिरका। माहौल क्या लग रहा है? आज प्रत्याशी आए हैं जेएलकेएम के पानेश्वर महतो, माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल तो बहुत बढ़िया है इस बार, बदलाव का सब लोग सोचे हैं, बदलाव बदलाव हो के रहेगा। अच्छा, और सिरका और गड्ढा में 90% वोट पानेश्वर जी को जाएंगे, एकदम 90% श्योर है। और फिर यदि भोटवा का एक रतिया पहले 500,000 देगा तखन पैसा कुछ लेंगे, फिर भी वोट इन्हीं को पड़ेगा। माने पैसा लीजिएगा फिर भी वोट इन्हीं को दीजिएगा? पक्का। आपका क्या नाम है? संतोष प्रजापति। संतोष प्रजापति दा, आप टोपी बहुत अच्छा लगाए हुए हैं। ये मेरा बहुत पुराना टोपी है। अच्छा, टोपी पहन के घूमते हैं? मेरा पहचान है टोपी, मेरे नाम से बहुत कम जानते हैं लेकिन मेरे टोपी से ज्यादा जानते हैं कि लाल टोपी। अच्छा, एक चीज हम आपसे जानेंगे, जो विधायक थी आपके रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, उन्होंने क्या विकास किया है? उन्होंने कहा हम बहुत विकास किए हैं, फिर आप लोग इनका कहे साथ दे रहे हैं? देखिए, मेरा गाँव हुआ सिरका कहुआ बेड़ा, और चाहे आज तक ममता देवी रहा विधायक, चंद्र प्रकाश चौधरी रहा विधायक या सुनीता चौधरी रहा विधायक, कहुआ बेड़ा में आप जाके घूम के देखिए ना, रोड का व्यवस्था दिया गया, ना पानी का व्यवस्था दिया गया, और ना किन्हीं तरह का कोई रोजगार का व्यवस्था दिया गया। हम लोग ये सब चीज को देख के उन लोगों को लास्ट में ठोकर मार के हम लोग पानेश्वर महतो के साथ जुड़े हैं, और जुड़े हैं तो मन तन धन से, ये नहीं कि बेईमानी करने के लिए नहीं। और हम लोग हर एक पूरा कहुआ बेड़ा हम लोग पानेश्वर महतो को वोट देने के काम करेंगे और दिलाने का काम करेंगे। कैंची कमाल करेगा इस बार? रामगढ़ कैंची केला और हाथ को काट देगा। इतना बोल रहे हैं कि काट देगा कैंची केला और हाथ को काट देगा? सही कह रहे हैं। कैसे काट देगा जी? उन लोग का कितना दिन से राजनीति कर रहा है, करोड़ों रुपया है, खरीद लेगा जनता को? अरे खरीदने से नहीं होगा, नवजीवक युवक लोग आए हैं आगे और चल रहे हैं, पानेश्वर जी को आगे किए हैं, और कैंची के माध्यम से कटिंग होगा ही होगा। परिवर्तन इस बार आप लोग करने का पूरा स्थान लिया है? पूरा जोर शोर से। चलिए दादा, अभी निकलिए, आपका अभी दौरा है, लगातार दौरा करते हुए जा रहे हैं बेरोजगार पानेश्वर, और इनके समर्थक देख सकते हैं आप लोग किस तरह से, ज्यादा समय ना लेते हुए हम इन्हें विदा किए हैं। देख सकते हैं लगातार अभी काफी दूर जाना है इनको, और सुबह से ही दौरा शुरू कर दिए हैं और लगातार क्षेत्रों में घूम रहे हैं। और ये माहौल आप देख सकते हैं, ये जो लोग हैं ना, इन्हें कोई एक रुपया दिया गया कुछ भी नहीं, उसके बावजूद भी देखिए लोग किस तरह से, जिस भी गाँव में बेरोजगार पानेश्वर की एंट्री हो रही है, हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। खैर, धीरे धीरे इनका कारवा भी बढ़ेगा, सुबह का टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट में ये माहौल आप देख सकते हैं, शुरुआती दौर शुरुआत किए हैं आज दौरा का। और देखिए किस तरह का यहाँ पे माहौल है, तमाम यहाँ गाड़ियां लगी हुई है, सामने देख सकते हैं रोड है, और देखिए बुलेट से ही निकल दिए हैं, ये देख सकते हैं बेरोजगार पानेश्वर बुलेट में ही पंचायत दौरा, गाँव गाँव लोगों से मिलना, बुलेट से ही जा रहे हैं देख सकते हैं। और इधर देख सकते हैं तमाम समर्थक है इनके, तो चलिए हम लोग भी चलते हैं और देखते हैं आगे क्या कुछ जनता और क्या कहती है, क्या इस बार बदलाव होगा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, तमाम चीजों पे हमारी नजर रहेगी। सभी को जोहार। अरे यार देख तो, खाली रिकॉर्ड लिखा और समय हुए।